व्हाट्स अप गाइस, दिस इज कौशिक एंड वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आपने अगर Xiaomi का नया Redmi Note 4 खरीदा है तो आपको पता ही होगा जो ये फोन MIUI 8 पे रन कर रहा है, जो कि एक कस्टम UI है और ये Android Mass का ऊपर बेस्ड है। तो Redmi Note 4 में कुछ हिडन फीचर्स है जो कि बहुत ही यूजफुल है, लेकिन आपको शायद इसके बारे में नहीं पता है। तो ये वीडियो में मैं आपको Xiaomi Redmi Note 4 यानी MIUI 8 का सम हिडन यूजफुल फीचर्स के बारे में बात करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं सेकंड स्पेस। अगर आप किसी को कुछ देर के लिए अपना मोबाइल दे रहा है और आप नहीं चाहते हैं आपका मोबाइल में क्या ऐप्स है, क्या डेटा है, क्या फोटोज है वो जान जाए, तो Redmi Note 4 में आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है सेकंड स्पेस, जो आपको सेटिंग का अंदर ही मिल जाएगा। तो पहले आप सेटिंग में जाइए और यहाँ पे देखिए सेकंड स्पेस का ऑप्शन है। तो आप अगर इसको इनेबल करते हैं तो आपके पास एक नया इंटरफेस मिलेगा और यहाँ पे आपका पुराना ऐप्स, पुराना डेटा, पुराना गैलरी, पुराना फोटोज, पुराना कॉन्टैक्ट्स कुछ भी नहीं शो करेगा। एंड सेकंड स्पेस इनेबल करने के बाद आपका होम स्क्रीन में एक नया ऑप्शन मिल जाएगा। जब आप इसका ऊपर क्लिक करेंगे तो आप वापस से अपना ओन इंटरफेस में बैक हो जाएंगे आपके सारे के सारे डेटा के साथ। दोस्तों, अगर आप दो सिम यूज कर रहा है और आप चाहते हैं दो व्हाट्सएप इंस्टॉल करने के लिए, तो आपको डुअल ऐप का नाम से एक ऑप्शन मिल जाएगा जहां पे आप नॉट ओनली व्हाट्सएप, आप कोई भी ऐप्स को सेम टाइम दो बार रन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ थर्ड पार्टी ऐप्स का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये फीचर Redmi Note 4 के अंदर पहले से ही दिया गया है। तो फर्स्ट आप सेटिंग पे जाइए और यहाँ पे देखिए आपको डुअल ऐप का नेम से एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ से कोई भी ऐप्स को दो बार रन कर सकते हैं सेम टाइम में। बेसिकली ये फीचर से आप किसी भी ऐप्स को क्लोन करके दो अकाउंट्स यूज कर सकते हैं। आप दो व्हाट्सएप इंस्टॉल कर सकते हैं, दो फेसबुक इंस्टॉल कर सकते हैं और कोई भी ऐप्स का दो दो अकाउंट्स यूज कर सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप्स के। दोस्तों, आप अगर अपना स्मार्टफोन में एक स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो तो आप कोई भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन में बड़े ही आराम से ले सकता है, लेकिन हम लोगों को कभी कभी पूरा के पूरा वेब पेज का स्क्रीनशॉट जरूरत होता है, जो आपको हर कोई स्मार्टफोन में ये फीचर नहीं मिलता है। तो आपको बार बार स्क्रॉल कर करके बहुत सारे स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है, अदरवाइज आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप्स को यूज़ करना पड़ता है। लेकिन आप अगर Redmi Note 4 यूज़ कर रहे हैं तो आपको बार बार स्क्रीनशॉट लेने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप एक ही स्क्रीनशॉट में पूरा के पूरा वेब पेज का स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो ये फीचर का नाम है लॉन्ग स्क्रीनशॉट। तो पहले आप एक नॉर्मल स्क्रीनशॉट ले लीजिए वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन प्रेस करके। आप इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे पे देखिए आपको स्क्रॉल नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, तो आप स्क्रॉल का ऊपर क्लिक कीजिए और साथ ही साथ आपको जहां तक स्क्रीनशॉट लेना है वह तक आप स्क्रॉल करके जाइए। आप यहां पे आपके आप डन कर देंगे तो आपको एक ही स्क्रीनशॉट में पूरा के पूरा वेब पेज का इमेज मिल जाएगा। तो ये बहुत ही यूजफुल फीचर है। दोस्तों, ये फीचर्स का नाम है वाईफाई पासवर्ड शेयरिंग विथ QR कोड। दोस्तों, अगर आप किसी के साथ अपना वाईफाई शेयर करना चाहते हैं तो उनको आपका वाईफाई का पासवर्ड देने का ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना QR कोड शेयर कीजिए। तो आप जिसके साथ वाईफाई शेयर करना चाहते हैं वो सिर्फ आपका QR कोड स्कैन करके ही आपका वाईफाई को यूज़ कर सकता है। तो पहले आप सेटिंग का अंदर जाइए और देन वाईफाई सेटिंग में जाइए। तो यहाँ पे कनेक्टेड नेटवर्क का ऊपर क्लिक कीजिए तो आपका आपका QR कोड मिल जाएगा। तो आप QR कोड को अपना दोस्त को स्कैन करने के लिए बोलिए तो बिना ही पासवर्ड से आपका वाईफाई को यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा एंड यूजफुल फीचर्स है जो आपको Redmi Note 4 के अंदर यानी MIUI 8 पे मिल जाता है। दोस्तों, ये एक बड़ा ही कमाल का इंटरेस्टिंग एंड यूनिक ऑप्शन है जिसका नाम है SMS शेड्यूलिंग। अगर आप रात को 11 बजे सो जाते हैं और आप चाहते हैं किसी को 12 बजे SMS करके विश करने के लिए, तो आपको SMS शेड्यूलिंग का नाम से एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो पहले आप मैसेज के ऑप्शन में जाइए एंड पहले आपका मैसेज टाइप कीजिए, उसके बाद यहाँ पे साइड पे आपको एक प्लस आइकन मिल जाएगा, आप प्लस आइकन का ऊपर क्लिक कीजिए एंड नाउ यहाँ पे आपको टाइम बोल के एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड आपको जब SMS सेंड करना है उसी हिसाब से डेट एंड टाइम को सेट कर दीजिए। तो आप जिस डेट एंड टाइम पे SMS को सेट करेंगे ठीक उसी डेट एंड टाइम पे मैसेज ऑटोमेटिकली डिलीवर हो जाएगा आपका रिसिपिएंट का मोबाइल में। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फीचर्स है जो आपको Redmi Note 4 के अंदर मिल जाएगा। दोस्तों, आप अगर कभी iPhone यूज़ किया है तो आपको शायद पहले ही ये फीचर देखने को मिला है जिसका नाम है क्विक कॉल।
तो ये फीचर को यूज़ करने के लिए आप पहले सेटिंग पे जाइए, देन गो टू एडिशनल सेटिंग एंड यहाँ पे आपको क्विक कॉल का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इसको पहले यहाँ से ऑन कर लीजिए। तो देखिए आपका फ़ोन का साइड में एक स्मॉल बॉल का आइकन आ गया है, इसका ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ एक्सेसिबिलिटी फीचर्स यानी कुछ शॉर्टकट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बैक होम बटन, स्क्रीनशॉट एंड लॉक का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जो कि बहुत ही हैंडी फीचर्स है। आप चाहे तो इसको अपना हिसाब से ऑप्शन को चेंज भी कर सकते हैं एंड ड्रैग करके स्क्रीन पे कोई भी पोजीशन में आप इसको रख सकते हैं। ये बहुत ही हैंडी फीचर्स है। तो दोस्तों आपको सारे के सारे Redmi Note 4 का हिडन फीचर्स के बारे में बता दिया। Redmi Note 4 में बहुत ही जल्दी स्टेबल लोकेट अपडेट एंड MIUI 9 का अपडेट आने वाला है, तो शायद हम लोगों को और भी कुछ अच्छा यूजफुल फीचर्स देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड फॉर मोर अपडेट्स लाइक दिस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, इट्स फ्री। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। वंस अगेन दिस इज कौशिक साइनिंग ऑफ।